अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे, अक्सर बच्चों को भूख नहीं लगती, तो बच्चों को भूख लगाने के लिए आज हम आपको टोटका बताएंगे। अक्सर माँ बाप को, वालदेन को शिकायत ये रहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो कोई चीज़ खाते पीते नहीं हैं। अमूमन छोटे बच्चे हैं जो कोई चीज़ भी नहीं खाते घर में, ना जो हम बनाते हैं कोई चीज़ें वगैरह। तो उसके लिए हम आज आपको एक टोटका बताएंगे। ये हमारा आजमूदा टोटका है। अच्छा जी, ये आपने क्या करना है कि आपने 2 छोटे चम्मच अनारदाने के ले लेने हैं, ठीक है जी। उसके साथ आपने 1/4 चम्मच, वही जो छोटा चम्मच है वो आपने काले नमक का ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके ग्राइंडर के अंदर इसे पीस लें। अगर ग्राइंडर के अंदर नहीं पीसा जा रहा आपसे, तो आप इसे सिलवटे या दोरी डंडे के साथ भी इसे पीस सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को पीस कर कि ये दोनों चीज़ें जब आप अच्छी तरह पीस लेंगे, या ग्राइंडर में कर लीजिएगा, या इसे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप दोरी डंडे के अंदर साथ इसे पीस लीजिएगा। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक पेस्ट्री बन जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसको उंगली पर लगाकर, जैसे हम किसी चीज़ को चटाते नहीं, इस तरह चटा कर या चुटकी में इस तरह रख के भर के आपने बच्चों की जबान के ऊपर लगा देना है। ये जायके में भी बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि काला नमक है, आपको पता है काला नमक तो वैसे ही मज़ेदार होता है। तो साथ में अनारदाना आपने दिन में से 2 से 3 दफ़ा अपने बच्चों की जुबान के ऊपर लगा दें, यानी कि चटा दें उन्हें। तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा, आपके बच्चे खाना खाना शुरू कर देंगे, बल्कि आपसे मांगेंगे। तो आप ये घर में आजमा कर देखें, ये टोटका बहुत ही मुफीद है, और आपके बच्चे जो बिल्कुल खाना नहीं खाते थे, इंशाल्लाह खाना खाना शुरू कर देंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे बच्चों का मैदा भी ठीक होगा, क्योंकि इसके अंदर अनारदाना है, और अनारदाना मैदे को वैसे भी बेहतर और अच्छा रखता है, और काला नमक का भी यही काम है कि वो मैदे को ठीक रखता है। तो ये दोनों फ़ायदे होंगे, एक तो बच्चों को भूख लगेगी, और दूसरा ये है कि उनका पेट वगैरह भी ठीक रहेगा। ये सिंपल सी चीज़ है, दोनों हम अमूमन घर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है। आपके सामने काला नमक भी हम बचपन से खा रहे हैं, अनारदाना भी खा रहे हैं, तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें इकोनॉमिकली भी हैं और ईजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारा आज का टोटका ये पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।